टुडे वी आर गोइंग डिस्कस ऑफ द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी एंड द टॉपिक ऑफ ड्रग्स। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती है? ड्रग्स इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ये एक केमिकल सब्सटेंस है। इट इज़ प्रेजेंट इन मेडिकेंट्स डोजेज फ्रॉम एज एक्टिव इंग्रेडिएंट डेट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ड्रग्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो किस में प्रेजेंट होता है? मेडिकेंट्स में, मतलब औषधि होती है ना, उसमें प्रेजेंट होता है ड्रग्स। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल से मिलकर बना होती है ड्रग्स। ये क्या करती है? ये डोजेज है जो इंग्रेडिएंट्स मतलब डायरेक्ट इफेक्ट करती है बॉडी पर, जिसमें इसका यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए, ट्रीटमेंट क्योर ऑफ डिजीज़ ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है ड्रग्स को। ओके, दोबारा बताती हूँ, ड्रग्स इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस है जो किस में प्रेजेंट होता है? मेडिकेंट्स में प्रेजेंट होता है। डोजेस फ्रॉम एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डेट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एंड डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स में, जो डायरेक्ट बॉडी पर इफेक्ट करती है ड्रग्स। साइड इफेक्ट भी करती है, जैसे हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था ड्रग क्या क्या इफेक्ट करती है। साइड इफेक्ट भी करती है बॉडी में जाकर, एडवर्स इफेक्ट भी करती है, टॉक्सिक इफेक्ट भी करती है बॉडी पर। ऐसे ही ड्रग्स बॉडी पर एक इंग्रेडिएंट की तरह एक्टिव सब्सटेंस है। WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, केमिकल सब्सटेंस डेट इज़ यूज टू मॉडिफाइड पैथोलॉजिकल स्टेटस और अल्टर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द रेसिपेंट्स। मतलब ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसमें यूज होता है? मॉडिफाइड पैथोलॉजिकल स्टेटस, जो भी पैथोलॉजिकल स्टेटस होते हैं और अल्ट्रा फिजियोलॉजिकल स्टेटस होते हैं उनके फंक्शन पे इसको यूज़ किया जाता है रेसिपेंट के लिए, जो भी ड्रग्स खाने वाला है उसके ऊपर। एंड डोजेज फ्रॉम ड्रग्स, ड्रग्स की क्या डोजेज है? सुइटेबल फ्रॉम अ एडमिनिस्ट्रेशन, इसे एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सुइटेबल किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज सेमी सॉलिड या सेमी सॉल्यूशन। सॉलिड में इंक्लूड करते हैं हम टैबलेट्स को, एंड लिक्विड में इंक्लूड करते हैं सिरप। सॉलिड में टैबलेट्स, लिक्विड में सिरप्स एंड सेमी सॉलिड में जैसे क्रीम्स वगैरह, ये सब सेमी सॉलिड में इंक्लूड की जाती है। अब एंड देन मेडिसिंस टू तरह के इफेक्ट शो करती है। फर्स्ट इज डिज़ायरेबल इफेक्ट एंड सेकंड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। तो डिज़ायरेबल इफेक्ट्स मतलब हम मेडिसिंस को किस लिए यूज़ कर रहे हैं? जो भी डिजीज़ है उसे प्रिवेंशन करने के लिए, उस डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, ये सब डिज़ायरेबल इफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंड अनडिज़ायरेबल इफेक्ट में मतलब वो ड्रग्स बॉडी में इंटर होने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट करती है, एडवर्स इफेक्ट करती है एंड टॉक्सिक इफेक्ट करती है। साइड इफेक्ट में ज़्यादातर वॉमिटिंग आती है एंड एडवर्स इफेक्ट में स्किन रैशेज होते हैं एंड टॉक्सिस में कोई भी ऑर्गन ड्रग्स के अपोजिट मतलब ड्रग्स के अपोजिट रिएक्ट करने पर डैमेज हो जाता है, जैसे लीवर, किडनीज, ये ज़्यादा डैमेज होने के चांस होते हैं। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें माय चैनल को।
एंड थैंक यू।